कैसे लग रहे हैं हम? पहचाना, हम खुशी की बुआ जी। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। हाय रे नंद किशोर, खुशी आज पता है हमारे घर कौन आया है? ओ भाई नैना, देखो देखो कौन आया है। सास बहू और बेटियां, जो मेरे साथ एक डे आउट करेगा, दिखाएगा मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ, एक दादी हूँ, एक बुआ हूँ, एक माँ हूँ, यानी मेरी लाइफ की जर्नी भी बिल्कुल सास बहू और बेटियां की तरह है। तो मेरे घर पे आपका स्वागत है। सास बहू बेटे आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं खुशी की बुआ जी और नैना की ताईजी से, यानी अभिनेत्री आभा परमार के साथ। टीवी और फिल्मों की सीनियर अभिनेत्री रियल लाइफ में कैसी हैं, कौन है उनकी फैमिली में, कैसा है उनका घर, कैसे करती हैं अपनी सुबह की शुरुआत, क्या है उनके शौक, कैसे करती हैं असली जिंदगी में डांस, रियल लाइफ में एक दादी हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बिंदी, चूड़ियों और साड़ियों का शौक है, जो बिल्कुल आपकी और हमारी तरह एक रियल लाइफ जीती हैं, लेकिन पर्दे पर निभाती हैं तरह तरह के किरदार। तो आभा परमार को और करीब से जानने के लिए आज हम उनके साथ बिताएंगे पूरा एक दिन, मिलेंगे उनकी फैमिली से, देखेंगे कि आखिर उनके किचन में क्या पकता है, वो कितनी संस्कारी है, और हाँ उनकी अदाएं अभी भी हिट हैं, और क्या थी उनकी उन दिनों की बात है। भाई ये जानने के लिए हम सुबह सुबह आभा के घर पहुँचे, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा हेलो। हाय रे नंद किशोर, नंद किशोर नहीं, सास बहू बेटिया। पहचाना, हम खुशी की बुआ जी। कैसे पहचानेंगे, आप तो ताई जी से मिलने आए हैं, ये उन दिनों की बात थी, है ना, मतलब आभा परमार। चलिए चलिए, आपको हम अपनी रियल लाइफ की छोड़ के रियल लाइफ में लेके चलते हैं। स्वागत है आपका। आओ भाई, खड़े रहोगे? कम कम। ग्वालियर की रहने वाली आभा ने अपने करियर की शुरुआत 1980s में थिएटर से की थी, उसके बाद दूरदर्शन कई सीरियल्स, कई फिल्में और अब ढेर सारे सीरियल। मेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ओके, आज मैं आपको अपने घर से मिलवाती हूँ, और अपने घर वालों से मिलवाती हूँ, और अपनी असली जिंदगी से मिलवाती हूँ। आजकल तो वो उन दोनों की बात है, और दिल से दिल तक दोनों सीरियल एक साथ कर रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में है बड़ी संस्कारी, और सुबह की शुरुआत होती है भगवान की पूजा के साथ। मैं नहा धो के भगवान जी को नमन करती हूँ। मेरे छोटे से गन्नू बाबा हैं, ये लड्डू गोपाल हैं, ये पूरी फैमिली है, मुझे मेरा विश्वास है परिवार में, तो ये हमारे शिव जी का पूरा परिवार है। शिव जी हैं, गन्नू बाबा हैं, कार्तिकेय हैं, पार्वती जी हैं, नंदी बाबा हैं।
जरा देखिए आभा का ये अभिनय। इन आँखों की मस्ती के के साथ हम पूरा गाना देख लेते थे। आप आज देखिए, आपको लगता नहीं कि इसमें कट की जरूरत है, और आज हम 100 कट के साथ एक टुकड़ा करते हैं, एक अंतरा करते हैं। तो आप बताइए, उसके बाद वो जमाना और ये जमाना, ये उन दिनों की बात और ये इन दिनों की बात। ठीक है, टेक्निकली हम लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ है, हम लोग आगे गए हैं, लेकिन कुछ चीजें छूट गई हैं। वो तो मिस करते हैं। पर्दे पर ताईजी और बुआ जी बनती हैं, लेकिन रियल लाइफ में आभा बन चुकी हैं दादी, और उनकी मॉर्निंग्स गुड होती है अपनी पोती के साथ खेल खेल कर, जहां वो बिल्कुल बच्चों के साथ बन जाती हैं बच्ची। तुम देखो, ये मेरा एक डैडी, ये इसकी रानी है ना। कौन सा गाना गाते? तू मेरी रानी रानी, तू मेरी रानी, कैसे रानी। ये देखो, ये डैडी, ये देखो, और मेरे बड़े वाले टैडी उठा के लाओ जरा बाहर से। ये देखो, इसमें मेरे, ये मेरे नाती का है, बेटी के बेटे का है, ये मेरी बेटी का है, ये भी मेरी बेटी का है, ये मेरे बेटे का है, ये भी बेटे का है, ये लाइली का है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और ये मेरा है, ये इतना पुराना है, ये मेरा है। अभी और बताती हूँ, ये देखो, ये है, ये देखो छोटा छोटा, ये मेरा दामाद लंदन गया तो वहाँ से लेकर आया, मतलब उसको याद रहा, वो बड़ी चीज़ नहीं ला सकता था, सामान हो जाता, तो छोटा सा लेकर आया मेरे लिए। ये हमारा लाली काऊ, क्या कैसे बोलती काऊ, कैसे काऊ, काऊ सेज लो, आपको डालो लो, खेलते हैं हम लोग, स्टोरी बनाते हैं इसकी। अभी से लाली की और हायन की ट्रेनिंग चालू है, ये लोग स्टोरी कैसे लिखेंगे, कैसे ड्रामा बनेगा, हम लोग ये सारे करेक्टर, इन सब के नाम हैं। ये राजू है इसका नाम, और एक हमारी ये वो कहाँ गया, उसकी माँ कहाँ गई बेटा, ये लाइन है, सिम्बा है ये, मतलब आप लोग देखते होंगे ताई जी इतनी, या बुआ जी या चाची जी, वॉट एवर जो हम स्क्रीन पे रोल करते हैं, कि ये इतनी हमेशा खुश क्यों रहती हैं, तो मेरी खुशी का ये राज है, मेरे बचपने का ये राज है। मैं डक डक, यस दिस इज डक, डक से डक, देख मम 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 डक करती है। इसको अभी हम रख देते, तो हमारी डलिया है, इसमें हम भर के रखते, इतने ही और हैं अभी हमारे पास, उसमें भरे हैं, क्योंकि हमारा घर छोटा है लेकिन हमारा संसार बहुत बड़ा है। ये मेरा घर, ये तेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नज़र, तेरी नज़र। ये रानी, तू मेरी रानी रानी, ऐसे नाचते। अच्छा लाइली, इनको वो तो दिखाओ, पद्मावत नमस्ते करो। हाँ, ऐसे ऐसे। अब चलते हैं आभा की किचन में, जहाँ आज वो एक खास रेसिपी बनाने वाली है, और वो है लौकी की एक सब्जी। अब ना आपको एक रहस्य की बात बताती हूँ, मेरी एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से आती है? इसका राज है मेरा किचन, खाना। तो मैं आपको खाने में ले जाती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, मैं अच्छा बनाती हूँ, और हमारे घर में खाने वाले बहुत हैं, क्योंकि मैं सिर्फ घर वालों को नहीं खिलाती हूँ, अपनी शूटिंग पे अपने दोस्तों को, जितने भी लोग पसंद करते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, और अच्छे से बनाती हूँ, इतना सारा बनाती हूँ। तो आज चूँकि हमें शूटिंग पे जाना है, टाइम कम है, बातें बहुत सारी हैं, तो मैं एक सब्ज़ी है, कद्दू की सब्ज़ी, जो हमारे यूपी में बहुत फेमस है, यूपी के जो लोग हैं उनको पता है, कद्दू हमारे पूजा पाठ में बनता है, हमारे शादी ब्याह में बनता है, तो मैं वो कद्दू, खट्टा मीठा कद्दू बोलते हैं उसको, वो बनाती हूँ, सिंपल है। ऑयल के बाद इसको थोड़ा गर्म हो जाए, ये साथ के साथ हमने आज नाश्ते में आपके लिए चीला बनाया है,
ये बन गया है। इसकी प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा पाई, ये तैयार है। ये बेसन था, बेसन में मैंने थोड़ा प्याज टमाटर और मिर्ची डाली थी। ये बहुत अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है। इसको थोड़ा सा ऑयल लेके, जैसे हम चीला बना, इसको चीला बोलते हैं एक्चुअली, बेसन चीला, जो जो लोग डाइट करते हैं उनको पता है, वेरी हेल्दी फॉर डाइट। मेरा तेल गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़ा मेथी डालूंगी। ये दालचीनी है जो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। आजकल तो लोग ऐसे भी खाते हैं, इससे हमारा ब्लड बहुत अच्छा रहता है, इसको खाना चाहिए। ये थोड़ी सी हरी मिर्ची है, थोड़ा स्पाइसी हो के लिए डालते हैं। ये देखिए, वेरी सिंपल, बस थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची और ये हमारा कद्दू, या बॉम्बे में बोलते हैं भोपला। तो ये भोपला डाल दिया, इसको जस्ट मिक्स करना है। पकेगा, जब तक हम थोड़ी और बातें करेंगे तब तक ये पक जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल कैसी लगी। अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ। और एक टिप है, सब्जी जल ना जाए, ये मेरी मम्मी ने और दादी ने सिखाया था, इसके ऊपर एक लोटा रख देती हूँ पानी, जिससे उसकी जो एनर्जी है वो इसमें शिफ्ट होगी और जलेगा नहीं है। अब हम चलते हैं, थोड़ा और बातें करते हैं। मुझे बातें करने का बहुत शौक है, खासतौर से आज मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, तो बातें करनी है। चलिए कुछ बातें करते हैं, तब तक इसे पकने देते हैं। आइए। गड़बड़ी में सपना निकला, संभला फिसला, उड़ा पहुंचा पहुंचा चांद के घर गया। एक्चुअली मेरे मेरा मेरे घर का मेरा कहते बाया हाथ, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, तो मैं बाहर काम करने जाती हूँ, ये घर संभालती हैं, तो मैंने इनको तैयार कर दिया है। ताई तैयार किया है ना मुझे, मैंने इनको तैयार कर दिया है, तो मैं इन्हें गाइड करती हूँ, ये मेरे हिसाब से चीज़ें बनाती हैं और ये सोच के बनाती हैं। जो मेरी सोच है वो इन तक आ गई है कि दीदी अकेली नहीं है, दीदी के साथ बहुत बड़ा परिवार है, घर से लेके शूट तक, शूट से लेके मेरे दोस्तों तक, सब जगह। अब जरा घूमते हैं आभा का घर, जो उनकी यादों का कलेक्शन है और तरह तरह की कलाकृतियों से सजा हुआ है। ये एक्चुअली एंटिक पीस, जो इंडियन कल्चर, जो इंडियन क्राफ्ट है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, ये एक वॉल हैंग वॉल बोलते वो है, उसको मैंने पूरा फ्रेम किया है हैंगिंग वॉल को। तो और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब मैं जाती रहती हूँ यहाँ वहाँ हैंडीक्राफ्ट में, ये किसी ने मुझे बना के दिए। देखिए गणपति है, हाथ के बनाए हुए गणपति हैं, ये सब फ्रेम बना के दिया है मुझे। और ये देखिए, ये जो है ये फ्रेम और ये फ्रेम, उज्जैन में स्कूल है कालिदास अकेडमी, वहाँ के बच्चों ने ये हाथ से बनाया है पेंट, कितना प्यारा है देखिए। और ये नृत्य के बहुत महान डायरेक्टर हैं, गुरु हैं, नृत्य गुरु हैं, केलूचरण महापात्रा, ये मेरी बेटी इनसे सीखी है। और चूंकि मैं खुद डांस करना चाहती थी, डांस कर नहीं पाई, सीख नहीं पाई, तो मैंने अपनी बेटी में वो चीज़ पूर्ति की है, तो मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये उनकी फ़ोटो है।
जहाँ से डेली सोप शुरू हुए हैं और बहुत पॉपुलर शो था। मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट किया था। ये मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है। आपने बुआ जी को ताई जी को इतना छोटा नहीं देखा होगा, इतना छोटा। और ये मेरे थिएटर के फोटो हैं, जगह बहुत कम है। देखिए ये मेरे सास ससुर हैं, ये मैंने एक फिल्म की थी स्पेशल 26 उसका है। ये मेरा बेटा, छोटू बेटा, ये उसका नाम है शिंजन। शिंजन का मतलब होता है म्यूजिकल साउंड, छुन 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 छुन। मुझे नहीं पता, देखिए डेस्टिनी ये होती है, हमने क्या सोच के उसका नाम रखा था। आज वो म्यूजिक डायरेक्टर है। ये मेरे प्लेस के हैं, एक बहुत अच्छा प्ले था, जज डैनिस प्ले था। मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंने उस प्ले के लिए सिगरेट पीना सीखा था। मैं आज तक वालों से बोलना चाहती हूँ, एक डे आउट मेरे लिए पूरा नहीं है, इतनी यादें हैं। कई डे आउट करेंगे तब मेरी सारा खजाना खोल के दिखेगा आपको। भाई आभा को सजने संवरने का बहुत शौक है, और जरा देखिए उनकी चूड़ियों का कलेक्शन, उनकी साड़ियों का कलेक्शन और उनकी बिंदियों का कलेक्शन। ये है मेरा ज्वेलरी कबर्ड, जो इस समय बहुत बुरी हालत में है। पिछले दिनों काफ़ी सारी शादियां हुई हमारे आसपास, तो काफ़ी चीज़ें निकाली गई और फिर टाइम नहीं तो ठूसी गई, तो एक ठूसा हुआ है अभी। लेकिन देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे सारे ज्वेलरी बॉक्स है। आई हैव वेरी गुड कलेक्शन, मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। एक चीज़ दिखाना चाहूँगी बहुत अच्छी जो मैंने अभी खरीदी है, ये देखिए, ये इयररिंग है, ये देखिए इसका वर्क देखिए आप, पिकॉक है इसके अंदर, ये है, ये ट्रेडिशनल है, ये देखिए, ये भी मुझे ये मोती का काम, जो पत्थर का काम है, मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। ये क्या है, आप रोज़मर्रा, क्योंकि मेरा अब मेरी उम्र भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चमक तमक सिर्फ शादी के अलावा पहन नहीं पाती हूँ, सो रोज़ पहनने के लिए बहुत अच्छा है। पल्स का है ये भी, अगेन ये ट्रेडिशनल, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अक्सर रोल मेरे ऐसे होते हैं, बहुत सादगी भरे होते हैं, मैं ये सब नहीं पहन पाती हूँ, और इनफैक्ट मैं इंजॉय करती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब बहुत कुछ पहन लिया ये, तो अब जितना सिंपल होता है रोल मुझे बल्कि कंफर्टेबल होता है। लेकिन हाँ, जब शादी ब्याह होती है, जब कहीं कुछ फंक्शन होता है, और अब मेरे पास बहू है घर में, एक बेटी है, सब लोग मिलकर पहनते हैं। ये देखिए मेरी बेटी के साथ ही राजस्थान भी, मेरे घर में सब आ गया। अब मैं आपको अपना साड़ी का कलेक्शन दिखाती हूँ। एक दो साड़ियाँ देख लीजिए आप, ये हालत देखिए, आह, ये सब भरी हुई हैं, सब बैग्स भरे हुए हैं साड़ियों के। बहुत साड़ियाँ हैं मेरे पास, मुझे बहुत पसंद हैं साड़ियाँ, पहन कम पाती हूँ लेकिन कलेक्शन बहुत है। टेलीविजन वाली बिंदियाँ हैं ये देखिए। अपने शोज के लिए बहुत चीज़ें कलेक्ट करती रहती हूँ खुद से, मेरे करेक्टर्स ऐसे होते हैं कई बार। ये देखिए, ये मैं पूरे रंग के उठा के ले आई थी। एक रोल था भागो वाली करके, जी पे एक शो आता था मेरा, ये मैंने खुद परचेज की उसके। अब मिलते हैं आभा की फैमिली से, जो एक लंबा चौड़ा परिवार है। ये मेरा छोटा सा परिवार है जो यहाँ से बढ़ के बाहर तक जाता है। ये मेरे दामाद जी हैं, मनीष जैन जी, जो खुद भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे अच्छे शोज हैं जो उन्होंने सेट किए हैं, डायरेक्ट किए हैं। तो हमारा, जो मैं बार बार कहती हूँ कि फिल्मी परिवार हमारा है, फिल्मी परिवार इस तरीके से कि हम काम करने वाले लोग हैं। और ये मेरी बेटी है मिस्टर केशी जैन, अब जैन हो गई हैं शादी करके। सो इनके बारे में क्या बोलूँ, मेरी बेटी हैं, मेरा प्रतिबिंब हैं, और मेरे बहुत सारे अधूरे सपने शायद इनमें पूरे हुए हैं और आगे और होंगे पूरे, और बहुत अच्छी क्रिएटिव हैं काम करने वाली। मैंने एक ही चीज़ शिक्षा में दी है कि बेटा अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो। सो काम कर रही हैं मिश्र केशी, और ये अनंत हैं, अनंत दीक्षित, ये मेरी जो सेकेंड नंबर सिस्टर हैं, उनका बेटा है लेकिन मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरे पास पढ़ा, मैंने संस्कार दिए, मैं इसको कलाकार बना के ले आई, तो अब ये हमारा आगामी टेक्नीशियन है इंडस्ट्री का। नहीं हूँ कि मेरे बच्चे कभी बड़े हों, मेरे आसपास बच्चे होने चाहिए। अब ये हैं, अब ये बड़े हो रहे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे फिर अगर रही तो
तो और बच्चे बड़े होंगे, तो मेरे बच्चे कभी बड़े नहीं होते, हमेशा छोटे रहते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। मेरे फैंस में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे डिस्कस करते हैं, अभिषेक जी ने कहा कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मुझे सच में कनेक्टिविटी होती है सबके साथ। मुझे लगता है कि अगर